हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के एक्स के हाल के बारे में। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि आपके एक्स का क्या हाल है इस मंथ में, एंड उनके दिमाग में चल क्या रहा है, और जब बात आती है उनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो वो क्या है, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं या वेट कर रहे हैं, या फिर मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर कुछ और जो भी इनके लाइफ में हो रहा है वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। ओके, तो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। आई डोंट नो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों अपीयर हुआ है। क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो मैरिड है या कमिटेड है किसी और से, मतलब शायद आपसे जब ये मिले थे या जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तभी ये चीज़ साइड बाय साइड चल रही थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यही सिचुएशन हो, मतलब आप दोनों के सेपरेट होने से पहले भी ये पार्टी यहाँ पे थी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिलहाल ये पर्सन मुझे किसी नए रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, बट इससे ये सच नहीं बदलता कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, शर्मिंदा है अपने किए पे। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को एहसास है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको झूठे वादे दिए हैं जिसको वो शायद हमेशा से जानते थे कि वो कभी नहीं निभा पाएंगे, एंड तब भी वो आपसे लगातार झूठ बोलते रहे क्योंकि उन्हें आपका ये साथ चाहिए था। द लवर्स के कार्ड के साथ आप दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो मैग्नेटिक था। इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी, आपका लव, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी और ज़रूरी है भी, बट शायद ये पर्सन ये समझ नहीं पाया टॉरस कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने किया, एंड फाइनली अब उन्होंने आपको गवा दिया है। तो इस पर्सन को यह रियलाइज हो रहा है कि उन्हें जो तवज्जो लव को देनी चाहिए थी, जिस तरीके से लव उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए था उस तरीके से वो उसे नहीं बना पाए। और जब हम लव को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते तो यकीनन नेगेटिव चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो इनके आसपास हो रही थी और उसका असर इन पे हो गया, मतलब इनके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी जैसे कि अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया तो किस तरीके से उन्हें सब जज करेंगे। अगर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड था या मैरिड था तो इस पर्सन को लग रहा था कि शायद वो एक ऐसे पर्सन को गवा देंगे, इस थर्ड पार्टी को, जो कि उनके लिए ज़्यादा सेफ है या ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। तो इस पर्सन को ये लगा कि शायद उन्हें अपने कंफर्ट जोन को चूज़ करना चाहिए। एंड चूंकि टॉरस आप उनके लवर है, इतना डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच है ही, तो आप उन्हें इंटरटेन करते रहेंगे, आप उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे कि वो आपके साथ टच में रहें। ये लव तो उन्हें आपसे मिलता ही रहेगा, और वही ये पर्सन गलती कर गया। और अब नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ इनके अंदर रिग्रेट के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से जाने दिया जो दरअसल उन्हें अलाइव फील करवाता था, या जिसने उनके जीवन में बहुत सारे रंग भर दिए या बहुत सारी खुशियाँ दी उन्हें। यहाँ पे आप देख रहे हैं द एम्प्रेस का कार्ड। टॉरस, ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ओके, ये पर्सन क्लियरली अभी भी ओवर नहीं है, मतलब मूव ऑन नहीं कर पाया है, आपके बारे में सोच रहा है, लगातार ये जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था, आपने अपने लिए स्टैंड किया, आपने अपने लिए वो चूज़ किया जो भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन चूज़ करता। एंड द फूल के गार्ड के साथ
थॉरस इस पर्सन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप ऐसा कोई ड्रेस्टिक स्टेप ले सकते, मतलब आप खुद को उनसे सेपरेट भी कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि ब्रेकअप किसने किया या कौन पहले इस सिचुएशन से दूर गया। सिचुएशन चाहे जो भी थी, इस पर्सन को उम्मीद ये थी कि आप वापस आ जाएंगे, चाहे आप खुद गए हो या वो दूर गए हो। बट द फूल के साथ ये पर्सन देख रहा है कि इनके सामने इम्पॉसिबल चीज हो रही है, यानी उनका लवर थॉरस, उनका लॉयल थॉरस उनसे दूर जा रहा है और उन्हें नहीं लगा था कि ये पॉसिबल है, पर ये चीज इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है डाइजेस्ट करना। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि दरअसल क्वीन ऑफ कप्स तो आप हैं, किंग ऑफ कप्स की। पता नहीं इस पर्सन ने किसको चूज किया है आपके बजाय, बट इस पर्सन को ये रियलाइज तो ऑलरेडी हो चुका है कि आप उनका आधा हिस्सा है, आप वो पर्सन है जिसके साथ उन्हें होना चाहिए, आप वो है जो उन्हें कंप्लीट करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है खुद से लड़ रहे हैं, हर पल उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्हें कुछ ठीक करना है। इस पर्सन को अफसोस है जो उन्होंने किया उसके लिए, ये काफी हर्ट महसूस कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन दरअसल दूसरों को सुनता रहा, दूसरों की एडवाइसेस और कंपैरिजन लगातार दूसरों के रिलेशनशिप से इस पर्सन को भारी पड़ गया। इनकी आंखों पे पट्टी थी, ये क्लियरली देख नहीं पाया आपका वर्थ टॉरस। इस पर्सन ने दूसरों पे हद से ज्यादा ट्रस्ट किया एंड अब इस ब्रेकअप के बाद इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि वो सारी बातें जो थी बेमायने थी। इनकी आंखों की पट्टी खुल गई, ब्रेकअप के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई। हालांकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो टॉरस ये पर्सन शायद कुछ ऐसा सोच रहा है जो इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा, मतलब बातें अभी भी हो रही हैं आपके बारे में। इस पर्सन ने ऐसा लगता है कि गिव अप किया ही नहीं है, ये इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगातार आपके बारे में बातें होती रहती हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे भी आपके बारे में बातें हो रही हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे लगता है फिलहाल इस मंथ में तो इस बारे में है कि ये पर्सन आपके वर्थ को रियलाइज कर चुका है, ये पर्सन ये समझ चुका है उनकी गलती क्या है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऑलरेडी ये पर्सन आपको लेके सीरियस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें एक और मौका दें, बट इसको लेके आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो टेम्प्रोरी भी हो सकता है या शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचा। यहाँ सिर्फ मैं डिस्कशन देख रही हूँ किसी टॉपिक पे एंड यहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए जरूरी है खुद को सेफ रखना एंड आपके लिए जरूरी है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये जान लें कि इस पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या है। ओके, क्योंकि चीजें बस अभी मुझे अगस्त के मंथ में प्रोसेस में दिखाई दे रही है, तो शायद आपको कुछ समय होल्ड करना चाहिए और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। बॉडी वर्क, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। तो फिलहाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इस रिलेशनशिप के लिए, ये पर्सन जो कर रहा है उन्हें करने दीजिए। और अभी तक कोई ये फैसला ले नहीं पाए, इस बार आपके लिए जरूरी है कि आप ये श्योर करें कि ये पर्सन कोई फैसला लेने के बाद ही आप तक
आए, मतलब टैरो तो आपसे यही कह रहा है, बाकी ये आपका रिलेशनशिप है। फिलहाल आपको ज़रूरत है खुद की बॉडी पे ध्यान देने की, खुद की हीलिंग पे ध्यान देने की, और यही शायद आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आपको इस पेन से उबारने के लिए। ओके, तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपके एक्स का क्या हाल है अगस्त में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।